अभिषेक एक बार देखना यार कि मेरा लैपटॉप इतना स्लो क्यों वर्क कर रहा है। जी सर, देखता हूँ। अरे सर, इस लड़की की फोटो आपके लैपटॉप में कैसे? क्यों, तुम जानते हो उस लड़की को? जानता हूँ सर, बीबी है मेरी। क्या, ये क्या बोल रही हो तुम कि बीवी है तुम्हारी? लगता है अभिषेक तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। इस लड़की की तो अभी शादी भी नहीं हुई और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सर मैं सच बोल रहा हूँ, ये बीवी है मेरी। अभिषेक ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारी बीवी की शक्ल मेरी गर्लफ्रेंड से मिलती हो, और वैसे भी इस दुनिया में काफी लोग हमशक्ल भी तो होते हैं। सर ये मेरी बीवी की हमशक्ल नहीं है, अब आप ही बताइए, मैं अपनी बीवी को नहीं पहचानूंगा क्या? मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ ये मेरी बीवी है। वैसे अभिषेक तुम मुझे एक बात बताओ, तुम रहते कहाँ पे हो? सर मैं सेक्टर 16 में रहता हूँ। लो अभिषेक, यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड दूर होगी। ये सेक्टर 16 में नहीं रहती बल्कि राजा विहार में रहती है। हाँ सर, लगता है मैंने पहचानने में कोई गलती कर दी होगी। लाइए मैं आपका लैपटॉप ठीक कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं मैं कर लूंगा खुद से ठीक, तुम जाके अपना काम कर लो। ठीक है सर। हेलो प्रीत। हाँ तुम एक बार मेरे ऑफिस आना, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। हाँ तुम जल्दी आ जाओ। हाँ बेबी, क्या हुआ? इतनी अर्जेंट में तुमने मुझे अपने ऑफिस बुलाया? प्रीत क्या तुम शादीशुदा हो? नहीं बेबी, ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम? झूठ बोल रही हो तुम, तुम्हारा हस्बैंड बीपीओ में काम करता है ना? तुम कैसी बातें कर रहे हो, जब मेरे कोई हस्बैंड है ही नहीं तो वो कैसे बीपीओ में काम करेगा? प्रीत झूठ बोलने की भी ना एक हद होती है, तुम्हें पता है तुम्हारे पति का ट्रांसफर मेरी कंपनी में हुआ है। क्या, उसका ट्रांसफर तुम्हारी कंपनी में हुआ है? तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं ना हमारे रिलेशनशिप के बारे में? अभी तक तो मैंने बताया नहीं लेकिन अब बताऊंगा। अभिषेक, अभिषेक इधर आना जरा। यस सर, आपने बुलाया। अरे प्रीत तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मुझे तो ना पहले से शक था यहाँ कुछ गड़बड़ है। अभिषेक तुम देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, तुम घर चलो ना, मैं तुम्हें सबको समझाती हूँ। क्या समझाओगे तुम मुझे, मैं ना सब कुछ समझ चुका हूँ और तुमने ना मुझे धोखा दिया है। अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने ये सब किया? अभिषेक इसने ना हम दोनों को धोखा दिया है, और अगर मुझे पहले से पता रहता ना कि शादीशुदा है तो मैं कभी इसके साथ रिश्ते में नहीं आता। बताओ क्यों दिया तुमने मुझे धोखा, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? कमी तुम्हारे अंदर नहीं थी, कमी पैसों की। अरे तुम्हारी इतनी सी सैलरी में मेरे शौक मेरी ख्वाहिशें कैसे पूरी हो सकती थी भला? तुम खुद बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि तुम मुझे अच्छा सा खिला सको पिला सको, मुझे अच्छे कपड़े पहना सको। तुम्हारी इतनी सी सैलरी में घर का कोई गुजारा भी नहीं हो पा रहा था। मुझे लगा था कि तुमसे शादी करूंगी, हम अच्छी सी लाइफस्टाइल जिएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे तुमने मेरे सारी ख्वाहिशें मार दी, मेरे सारे सपने मार दिए। फिर मेरी मुलाकात सौरभ से हुई और तुम्हें पता है सौरभ ने मुझ पर इतना उड़ाया जितना तुम कभी कमा भी नहीं सकते थे, और इसीलिए मैं सौरभ के साथ रिलेशनशिप में आ गई। सौरभ ने ना मुझ पर बहुत पैसे उड़ाए, मुझे बहुत घुमाया, बहुत खिलाया, बहुत ऐश आराम की जिंदगी दी और मेरी सारी ख्वाहिशें मेरे सारे शौक पूरे करे। तुम खुद बताओ मैं क्या करती फिर, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छा हुआ अभिषेक कि तुम्हें मेरे और सौरभ के बारे में पहले से ही पता लग गया, मैं तुम्हें खुद ही बताने वाली थी, और अब अच्छा हुआ ना कि तुमने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। और हाँ मुझे ना तुमसे डिवोर्स चाहिए, क्योंकि तुम जैसे इंसान के साथ ना मैं क्या कोई भी नहीं रह सकता। जिसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है वो क्या किसी के शौक पूरे करेगा? तो अच्छा होगा कि तुम मेरी जिंदगी से खुद चले जाओ और मैं अपनी जिंदगी सौरभ के साथ न्यू शुरू करूंगी। प्रीत तुमने तो मेरे प्यार का मजाक ही बना दिया, क्या कुछ नहीं किया था मैंने तुम्हारे लिए लेकिन तुम्हें कुछ नहीं दिखा। खैर तुम्हें डाइवोर्स चाहिए ना, ठीक है मैं डाइवोर्स के पेपर पे साइन करवा के भिजवा दूंगा। मैं चलता हूँ, तुम्हें तुम्हारा नया प्यार मुबारक हो। एक मिनट अभिषेक, प्रीत तुमसे छोड़ने के बाद रहोगी कहाँ पे? ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ, अब मैंने फाइनली अपने पति से डाइवोर्स ले लिया है तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ शुरू करूंगी, शादी कर लेंगे साथ में। अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब देखने के बाद तुम्हारे जैसी लड़की से शादी करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा मैं? क्या सौरभ ये तुम क्या बोल रहे हो, हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना और हमने शादी करने का डिसाइड भी किया था, फिर अब तुम ये सब कुछ क्यों बोल रहे हो? प्यार, अरे देखो प्यार की बात कर भी कौन रहा है, जिसने खुद अपने पति को धोखा दे दिया वो भी पैसों के लिए, और अगर कल को कोई मेरे से भी अमीर मिल गया फिर तो तुम मुझे भी छोड़ दोगी। अरे तुम्हारी जैसी लड़की ना कभी किसी से प्यार नहीं करती,
बल्कि सिर्फ पैसों से प्यार करती है वो। नहीं नहीं सौरभ, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। लो, जिस लालच की वजह से तुमने मुझे छोड़ा था, आज उसी लालच ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। चलता हूँ। अभिषेक, अभिषेक। देखो प्रीत, अभी आप खड़े रहने से ना कोई फायदा नहीं होगा, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से।